हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 ऑफ चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखो पता होगा कि हमने प्रैक्टिस सेट 4.3 स्टार्ट कर लिया है, राइट? और हमने प्रैक्टिस सेट 4.3 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया है। आज हम लोग बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, 3 रिमेनिंग क्वेश्चन है, वो करने वाले हैं, ठीक है? तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको सारे फॉर्मूलाज याद है। फॉर्मूलाज भूलना मत, प्रैक्टिस सेट 4.3 में जो भी फॉर्मूलाज आने वाले हैं वो मैंने आपको बताया था। ये देखो यहाँ पे फॉर्मूलाज की लिस्ट है, तो यहाँ पे आई थिंक आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज करा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारा मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू वगैरह क्या होता है वो मैंने सब आपको बताया था। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से बड़ा है तो हम क्या बोलते हैं कि शेयर इज एट प्रीमियम, यानी कि शेयर प्रीमियम में चल रहे हैं, मतलब प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब शेयर इज एट पार, शेयर जो है वो पार पे है। एंड अगर मार्केट वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से अगर कम है तो मतलब शेयर इज एट डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब लॉस पे चल रहे हैं शेयर। ओके, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज सम इन्वेस्टेड। तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। हमेशा याद रखना जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर होता है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर होता है। अब यहाँ पे अगर हमको पता करना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है उसको डिवाइड कर दो मार्केट वैल्यू से, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है? उसके बाद डिविडेंड क्या होता है आपको सब मैंने बताया था। तो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला ये है, दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड इनटू मार्केट वैल्यू। डिविडेंड पर शेयर का जो फॉर्मूला है दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। हमेशा याद रखना जो डिविडेंड है वो फेस वैल्यू के ऊपर निकलता है, ठीक है? तो ये डिविडेंड पर शेयर है। और डिविडेंड टोटल डिविडेंड इनकम का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स जितने आपके पास है इनटू डिविडेंड पर शेयर, कर लो आपको डिविडेंड इनकम का फॉर्मूला मिल जाएगा। एंड रेट ऑफ रिटर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आरओआर जिसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है? तो ये मैं फॉर्मूलाज रिवाइज बार बार आपको इसलिए कराती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। चलो अभी हम लोग फोर्थ वन से स्टार्ट करते हैं। तो हमको देखो यहाँ पे क्या दिया है, श्रीमती देशपांडे परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20, हाउ मेनी शेयर्स शी विल गेट फॉर ₹20,000। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि श्रीमती देशपांडे जी को क्या करना है, शेयर्स खरीदने हैं और वो शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो हमको दी है। तो यहाँ पे हमको दिया है कि फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, ₹5, और जो शेयर जो है वो प्रीमियम में चल रहे हैं। कितने रुपीस के प्रीमियम में चल रहे हैं, ₹20 के प्रीमियम में चल रहे हैं। और हमको फाइंड करना है हाउ मेनी शेयर्स शी विल गेट फॉर ₹20,000, यानी कि ₹20,000, यानी कि श्रीमती देशपांडे जी के पास कितने हैं, ₹20,000 है, तो उनको ये ₹20,000 में कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो जब मैंने आपको फॉर्मूला की लिस्ट दी थी तो यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स अगर फाइंड करना है तो हमेशा याद रखना नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है कि ₹20,000 में टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स श्रीमती देशपांडे जी को मिलने वाले है। तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है तो दैट इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि श्रीमती जी कितने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, तो वो ₹20,000 इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 20,000 है, अपॉन क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू क्या है, तो मार्केट वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी है, हमको फेस वैल्यू ऑफ शेयर दिया है और इतना बोला है कि शेयर प्रीमियम में चल रहे हैं। तो शेयर अगर प्रीमियम में चल रहे हैं तो मतलब मार्केट वैल्यू हमारी क्या हो जाती है तब, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर क्या हो जाएगा कि जो फेस वैल्यू है शेयर की प्लस उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रीमियम करेंगे। प्रीमियम मतलब प्रॉफिट में चल रहे, राइट? तो यानी कि यहाँ पे फेस वैल्यू है 5 और कितने रुपीस के प्रीमियम में चल रहे हैं, ₹20 के प्रीमियम में चल रहे हैं। तो यानी कि 5 + 20 कितना हो जाएगा, ₹25, यानी कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर है वो भी हमारे पास आ गई है, दैट इज ₹25। तो अभी हम यहाँ पे अगर देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स का, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो श्रीमती देशपांडे जी खरीद सकते हैं दैट इज टोटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज 20,000 अपॉन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना है, 25। बस इसको डिवाइड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, सिंपल है ना। चलो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ इसको। तो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है ₹5 एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या और क्या गिवन है कि शेयर
शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ ₹20 तो देयरफॉर मार्केट वैल्यू हमने निकाल दिया, ये फॉर्मूला से हमने मार्केट वैल्यू निकाल दिया। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो 5 + 20 = ₹25। तो मार्केट वैल्यू है और हमारे पास सम इन्वेस्टेड भी है, सम इन्वेस्टेड या टोटल इन्वेस्टमेंट भी है कि श्रीमती देशपांडे जी जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहती है, उनके पास कितने रुपए है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास है ₹20,000, है ना, 20,000। तो देयरफॉर हम लोग अभी फॉर्मूला लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स पूरा फुल फॉर्म में लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स श्रीमती देशपांडे विल गेट, यहाँ पे लिखेंगे SMT देशपांडे, देश एक मिनट स्पेलिंग अच्छे से देख लेती हूँ, हाँ देशपांडे विल गेट। तो नंबर ऑफ शेयर श्रीमती देशपांडे विल गेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास बहुत अच्छा खासा है, दैट इज टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन, बताओ क्या है, वेरी गुड, मार्केट वैल्यू। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 20,000, मार्केट वैल्यू है हमारे पास 25। बस डिवाइड कर लो यार, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे डिवाइड करो जल्दी जल्दी, तो क्या होगा यहाँ पे 25 8 200 होता है, बट कोई बात नहीं, छोटे छोटे नंबर लेके भी हम कर सकते। तो यहाँ पे ये 20,000 है और यहाँ पे 25 है, मैं छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करती हूँ, 5 5 = 25 हो गया, 5 4 = 20, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 0 आ जाएगा, फिर 5 1 = 5, तो यहाँ पे 5 8 = 40, 1 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि 800। तो 800 रुपीज नहीं लिखना है, शेयर्स है ये, नंबर ऑफ शेयर्स है। तो यानी कि श्रीमती देशपांडे जी जो है उनको 20,000 रुपए में उनको 800 शेयर्स मिलेंगे, ओके। तो नंबर ऑफ शेयर श्रीमती देशपांडे विल गेट, दैट इज 800 शेयर्स उनको मिलने वाले हैं। मतलब अगर वो क्या करेगी, जो भी वो कंपनी है उसमें अगर 20,000 का वो इन्वेस्ट करेगी, तो वो जो शेयर है जिसकी फेस वैल्यू क्या है, 5 है, और वो जो शेयर है वो प्रीमियम में भी चल रहा है, बरोबर, वो ₹20 के प्रीमियम में चल रहा है। तो वो जो शेयर है वो 20,000 रुपए में उनको कितने शेयर्स मिलेंगे, 800 शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, समझ में आया, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना था। यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू भी है, बस उन दोनों को डिवाइड करो, नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट वन करते हैं, फिफ्थ वन, बड़ा इजी है ये वाला क्वेश्चन भी। क्या दिया है, श्री शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹120। कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि क्या दिया है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ROR निकालना है। ROR मीन्स रेट ऑफ रिटर्न। मैंने पहले ही बोला था कि रेट ऑफ रिटर्न इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपको ROR नहीं निकालना आता है तो सीख जाओ भाई, सीख जाओ। 3 marks के लिए तो ये क्वेश्चन, मतलब 3 या 2 marks के लिए पक्का ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि श्री शांतिलाल है, तो उन्होंने क्या किया है, 150 शेयर्स खरीदे हैं और वो शेयर की फेस वैल्यू है ₹100 और मार्केट वैल्यू क्या है ₹120, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड पे किया और डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड दिया है 7%। हमको फाइंड करना है कि जो श्री शांतिलाल है उनका रेट ऑफ रिटर्न क्या है इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। मतलब उनको कितना रिटर्न मिलेगा, उनका उस रिटर्न का जो रेट है वो निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ROR का फॉर्मूला बाजू में लिखो, पहले ROR का फॉर्मूला बताओ, चलो मेरे पीछे पीछे बोलो, व्हाट इज ROR का फॉर्मूला, वेरी गुड, डिविडेंड इनकम अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, बरोबर, यही है ना हमारा फॉर्मूला, भूले तो नहीं ना, हाँ। तो ROR का फॉर्मूला है, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो डिविडेंड इनकम है ना वो निकालेंगे, डिविडेंड इनकम अलग से निकालना पड़ेगा हमको, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है सम इन्वेस्टेड, तो सम इन्वेस्टेड जो है ये भी हमको अलग से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम इन्वेस्टेड, उसके बाद हम डिविडेंड इनकम निकालेंगे, ठीक है। चलो पहले हम लोग यहाँ पे गिवन वगैरह जो है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन में है नंबर ऑफ शेयर्स श्री शांतिलाल परचेज, मतलब शांतिलाल जी जो है उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे। तो नंबर ऑफ शेयर श्री शांतिलाल परचेज्ड इज इक्वल टू
150 शेयर्स, ठीक है, ये सब गिवन लिख रहे हैं हम लोग। उसके बाद हमको दिया है फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर हमारे पास है रुपीज 100, ठीक है, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो है हमारे पास रुपीज 120। ओके, यहाँ पे फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों की जरूरत है। देखो याद है आपको ना, सम इन्वेस्टेड जब निकालेंगे, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो है श्री शांतिलाल जी का वो कितना है वो देखेंगे, तो शेयर खरीदे और बेचे मार्केट वैल्यू पे जाते हैं, लेकिन जो डिविडेंड कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर्स को वो फेस वैल्यू पे देती है। तो जब डिविडेंड निकालेंगे ना तब फेस वैल्यू काम आता है, और जब सम इन्वेस्टेड निकालेंगे ना तब मार्केट वैल्यू काम आता है, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारे पास और जो जो भी चीज गिवन में है ना वो मैं सब लिख रही हूँ, ठीक है। तो रेट ऑफ डिविडेंड भी हमारे पास हमेशा याद रखना, अगर रेट लिखा है ना तो रेट विल बी इन परसेंटेज। तो रेट ऑफ डिविडेंड हमको दिया है दैट इज 7%। ओके, डिविडेंड इनकम नहीं है ये, नहीं तो कोई कोई बच्चा डिविडेंड इनकम में 7 लिख देगा, नहीं, डिविडेंड इनकम विल बी इन रुपीज, कि टोटल 150 शेयर्स का श्री शांतिलाल को कितना डिविडेंड मिलेगा वो टोटल निकालना है हमको। तो रुको, शांति रखना थोड़ा सा। अभी हम सबसे पहले तो सम इन्वेस्टेड निकालेंगे, फॉर्मूला की लिस्ट मैंने आपको दी है, राइट। तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला बताओ क्या है। सम इन्वेस्टेड क्या होता है, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू जितने भी आपने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हैं इनटू मार्केट वैल्यू, कर लो इनटू मार्केट वैल्यू, तो दैट विल बी सम इन्वेस्टेड। तो कितने शेयर्स खरीदे हैं शांतिलाल जी ने, 150 शेयर खरीदे हैं, और मार्केट वैल्यू जब कितना था शेयर का, 120 था। तो यानी कि उन्होंने टोटल कितना इन्वेस्ट किया इस कंपनी में वो फाइंड करेंगे। तो पहले मैं 2 जीरो लगा देती हूँ, ये 2 जीरो मैंने पीछे से लगा दिए। अब हम करेंगे 15 × 12, तो 2 5 हो जाएगा 10, 2 1 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 0, 1 5 हो जाएगा 5, 1 1 हो जाएगा 1, दैट इज प्लस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 180, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 180, और ये जो 2 जीरो लगे थे वो भी आएंगे, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा रुपीज 18,000। यानी कि जो सम इन्वेस्टेड है, यानी कि जो श्री शांतिलाल है उसने, मतलब कि उसने जिस भी कंपनी के ये शेयर्स खरीदे हैं उस कंपनी में उसने टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया है वो 18,000 का किया है, ठीक है। ये समझ में आ गया, सम इन्वेस्टेड निकल गया। तो ये देखो सम इन्वेस्टेड निकल गया, अभी हमको निकालना है डिविडेंड इनकम। लेकिन डिविडेंड इनकम डायरेक्ट नहीं निकलता है, सबसे पहले हम लोग डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं, मतलब एक शेयर के पीछे श्री शांतिलाल को कितना डिविडेंड मिलेगा वो सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद हम टोटल डिविडेंड इनकम निकालते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा यार, इतना तो आपको पता ही होगा। चलो अभी हम लोग सबसे पहले निकालेंगे हम लोग डिविडेंड इनकम, सॉरी डिविडेंड इनकम नहीं, डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे, मतलब एक शेयर पर शेयर, पर शेयर मतलब एक शेयर, हाँ। तो पर शेयर के पीछे क्या डिविडेंड मिल रहा है श्री शांतिलाल को, तो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला क्या है चलो बताओ। तो यस, वेरी गुड, रेट ऑफ डिविडेंड, जो रेट चल रहा है डिविडेंड का, और इनटू क्या करेंगे हम लोग, इनटू करेंगे फेस वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू पे मिलता है, तो डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता है, इतना क्लियर है ना, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो ध्यान देना। अब रेट ऑफ डिविडेंड है हमारा 7%, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो यहाँ पे देख लो, रेट ऑफ डिविडेंड है 7%। इनटू फेस वैल्यू जो है वो कितना है, फेस वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है रुपीज 100, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 100, तो यानी कि ये हो जाएगा 7% का जो साइन है वो अपॉन में 100 बन जाएगा, इनटू 100, यानी कि ये 100 ये 100 कैंसिल, दैट इज आ जाएगा 7, यानी कि रुपीज 7। यानी कि डिविडेंड पर शेयर मतलब क्या, कि जो शांतिलाल है ना उसको पर शेयर, मतलब एक शेयर के पीछे उसको 7 रुपए मिलने वाले हैं, 7 रुपीज मिलने वाले हैं। तो यानी कि अभी श्री शांतिलाल ने तो कितने शेयर खरीदे उस कंपनी के, 150 शेयर खरीदे हैं, तो 150 शेयर के पीछे शांतिलाल को कितना डिविडेंड मिलेगा वो अब हम निकालेंगे, दैट इज नोन एज डिविडेंड इनकम, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे व्हाट इज द डिविडेंड इनकम ऑफ शांतिलाल। तो डिविडेंड इनकम ये हमारा मेन वाला इनकम है, मेन डिविडेंड इनकम है। तो टोटल डिविडेंड इनकम अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे आप, कर लो नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी शांतिलाल ने खरीदे हैं, इनटू क्या कर देंगे हम लोग, इनटू कर देंगे डिविडेंड पर शेयर, क्या कर देंगे डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के पीछे कितना मिल रहा है डिविडेंड वो। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे शांतिलाल ने, 150 शेयर्स खरीदे, और इनटू डिविडेंड पर शेयर कितना है 7 है, तो 150 शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिलेगा, तो कुछ नहीं करना है, 150 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि ये 0 1 में लगा रही हूँ, 7 5 हो जाएगा 35, 7 1 7 प्लस 3 हो जाएगा 8, यानी कि एक शेयर के पीछे
मैंने राइट तो कैलकुलेट किया है ना, 7/7 नहीं 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 भाई, मैं क्या कैलकुलेट क्या कर रही हूँ, एक मिनट हाँ एक मिनट, 150 × 7 करना है, तो ये हो जाएगा 7 × 0 = 0, 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 7 प्लस 3 होता है 6, हाँ मैंने तो प्लस 1 ही कर दिया, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1050 रुपीज, यानी कि डिविडेंड इनकम, जो टोटल डिविडेंड इनकम मिलने वाला है शांतिलाल को, वो 1050 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास देखो डिविडेंड इनकम है, हमारे पास सम इन्वेस्टेड है, और हमारे पास आरओआर का भी फॉर्मूला है, इसमें सारे वैल्यूज को भी पुट करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, अभी वो लिखना है, दैट इज आरओआर, आरओआर मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ श्री शांतिलाल। ठीक है, जो शांतिलाल है उनका रेट ऑफ रिटर्न कितना है वो निकालेंगे, तो दैट इज इक्वल टू गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है मेरे पीछे पीछे इसको बार बार रिपीट करो, डी से डिविडेंड आता है, डी लेटर पहले आता है तो डिविडेंड ऊपर होगा, अपॉन क्या है एस, एस बाद में आता है ना, एस लेटर बाद में आता है तो उसको नीचे लिखने का, ऐसे करके कुछ याद करो आप। ठीक है, तो डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, तो डिविडेंड इनकम है हमारा 1050, एंड सम इन्वेस्टेड हमारा कितना है, सम इन्वेस्टेड है हमारा 18000। ठीक है, तो ये हो गया 18000, एंड इनटू कितना है हमारा, इनटू है हमारा 100, तो यहाँ पे देखो ये दो जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल, यानी कि क्या बचा, ऊपर बचा 105 और नीचे बचा 18, तो अभी 105 को डिवाइड करना है 18 से, कैसे करेंगे, तो देखो ये दोनों जो नंबर है ना वो 2 के टेबल में तो नहीं आता है, बाजू में लिख रही हूं मैं 105/18, बट ये दोनों नंबर याद करो 3 के टेबल में आता है, बरोबर, कैसे आता है देखो आप है ना, इसके सारे डिजिट को ऐड करो, दैट इज 1 + 0 + 5 करो, कितना आता है 6 मिलता है, तो 6 3 के टेबल में आता है क्या, हाँ, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा, वैसे ही आप 1 + 8 करो तो 9 मिलेगा, तो 9 3 के टेबल में आता है क्या, हाँ, तो ये भी 9 मतलब ये भी 3 के टेबल में आएगा, वैसे तो 18 तो सामने से पता है कि 18 तो 3 के टेबल में आता है, तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है 3 की वो पता होगी है ना, कि अगर वो नंबर जो है वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं, कैसे पता चलता है, उसके सारे डिजिट्स को ऐड करो, अगर ऐड करने के बाद डिजिट अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो मतलब ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो चलो 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 × 5 = 15, और यहाँ पे 3 × 6 = 18। ठीक है, अभी यहाँ पे तो वो 35 तो आता नहीं है 6 के टेबल में, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 6 × 6 = 36 होगा, तो 6 × 5 = लेना पड़ेगा, 6 × 5 = आ जाएगा 30, तो 5 बचा, अब 0 ले रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा तो पॉइंट लगाएंगे, तो 6 × 8 = कितना हो जाएगा, 6 × 8 = हो जाएगा 48। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 4, तो यानी कि 10 − 8 = 2 और 4 − 4 तो 0 ही है वैसे भी, तो यहाँ पे 20 आया, अभी लिखेंगे 6 × 3 = 18 होगा, तो 20 − 18 करोगे तो फिर से 2 आएगा, और फिर से 0 लोगे तो फिर से आपको 6 × 3 = 18 मिलेगा, और ऐसे ऐसे करके वो बार बार आपको क्या मिलेगा, नीचे 20 मिलेगा, फिर से 3 × 18 लोगे, फिर से 20 मिलेगा, 3 × 18 लोगे, तो मतलब ये 3 3 3 3 चलता रहेगा, तो इसको एक जगह स्टॉप हो जाओ, आप टेंशन मत लो, आंसर देखो ये है 5.8 3 3 3 3 चलता रहेगा ना, तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे लिख दो 5.83%। ठीक है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो एक 3 लिख दो बस, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, तो यानी कि इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5.83%, और आरओआर आपको पता है ना वो परसेंटेज में होता है, तो ये याद रखना, तो यानी कि जो हमारा शांतिलाल है उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है, इस रेट ऑफ रिटर्न जो है ऑन दिस इन्वेस्टमेंट वो कितना है 5.83% है, मतलब कि अगर वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको 5.83% का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा, ये डिवाइड वाला पार्ट अगर नहीं समझा तो एक बार फिर से देख लो। ठीक है, चलो अभी हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज 6th one, तो चलो अभी हम लोग करते हैं 6th one क्या दिया, देखो इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, कंपनी ए जो है उसका डिविडेंड दिया है 16%, मार्केट वैल्यू दिया है ₹80, और कंपनी बी का जो डिविडेंड है वो दिया है 20%, और मार्केट वैल्यू कितना दिया है ₹120। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे ना कंपनी ए जो है ना इसमें एक शेयर है, और कंपनी बी जो है ना उसमें भी एक शेयर है, और ये दोनों शेयर जो है ना इनका फेस वैल्यू जो है ना वो क्या है, सेम है,
ठीक है, ऐसा देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन है अच्छे से रीड करो। इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम देन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल। मतलब कंपनी ए का एक शेयर है और कंपनी बी का एक शेयर है, दोनों शेयर का फेस वैल्यू सेम है, ओके और यहाँ पे बोला है कि कंपनी ए जो है वो डिविडेंड कितना दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, 16% डिविडेंड दे रही है, और वो जो शेयर है ना उसकी मार्केट वैल्यू ₹80 है। देखो फेस वैल्यू सेम है दोनों की, लेकिन मार्केट वैल्यू तो अलग होगी ना अभी, तो मार्केट वैल्यू जो है वो कितना है, ₹80 है कंपनी ए में, और जो कंपनी बी है ना वो कितना डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, 20% का डिविडेंड दे रही है, और जो मार्केट वैल्यू है उस शेयर का वो कितना है, 120 है। तो अभी हमको ये फाइंड करना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारा ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। मतलब कि देखो अभी यहाँ पे क्या है ना कि हम कंपनी ए में इन्वेस्ट करें कि कंपनी बी में इन्वेस्ट करें, मतलब हम कौन से कंपनी का शेयर खरीदें, कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारा ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा वो निकालना है हमको। तो हम कौन सा शेयर खरीदें, कंपनी ए का कि कंपनी बी का वो। लेकिन अभी है ना बहुत बच्चे अपना अपना अलग अलग दिमाग लगाएंगे और कुछ भी, मतलब कि क्या, कोई कोई क्या सोच सकता है कि अरे कंपनी ए का हम लोग शेयर खरीद लेते हैं ना, देखो ना मार्केट वैल्यू उसकी कम है, मार्केट वैल्यू कम है तो कम में शेयर खरीदेंगे, लेकिन बच्चा वहां पे डिविडेंड भी तो 16% ही मिल रहा है ना, कम मिल रहा है, और वेरेज अगर कंपनी बी में जाते हो तो वहां पे मार्केट वैल्यू ज्यादा है शेयर की, मतलब ₹120 में शेयर खरीदना पड़ेगा लेकिन वहां पे डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है। तो मतलब अभी कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारा ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो निकालना है। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, हम क्या करेंगे, कंपनी ए का आरओआर निकालेंगे, कंपनी बी का आरओआर निकालेंगे, तो जिसका भी आरओआर, आरओआर मतलब रिटर्न, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो, उसका फुल फॉर्म है रेट ऑन रिटर्न। तो जिसका आरओआर ज्यादा आता है, जिस भी कंपनी का आरओआर ज्यादा आएगा, मतलब कि उस कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना सही रहेगा, वह कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। तो आरओआर निकालना तो आता है ना, उसमें अभी दिक्कत की क्या बात है, अभी तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में निकाला था, बस ऐसा समझो कि कंपनी एक अलग क्वेश्चन है, कंपनी भी अलग क्वेश्चन है, उसका आरओआर निकालो, जिसका आरओआर ज्यादा आएगा उस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा और वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी हमारे लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात क्या है ना कि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स एक ही है, मतलब एक कंपनी ए का, कंपनी ए का एक शेयर है उसकी फेस वैल्यू, और कंपनी बी का एक जो शेयर है उसकी भी फेस वैल्यू, दोनों की फेस वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हमको है ना अज्यूम करना पड़ेगा कि फेस वैल्यू हमको अज्यूम करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि डिविडेंड निकालते टाइम हमको फेस वैल्यू लगता है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लेट अज्यूम कर रहे हैं, ये लेट द फेस वैल्यू, यहाँ पे ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, लेट द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स, बोथ द शेयर्स मतलब, बोथ द शेयर्स मतलब कौन से शेयर्स, कंपनी ए का एक शेयर और कंपनी बी का एक शेयर, ये दोनों शेयर्स एक ही, यहाँ एक शेयर ही, ज्यादा नहीं एक शेयर्स। तो लेट द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स बी ₹100, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे और ये 100 कहाँ से आया, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं इसको ना लाल कलर में लिख देती हूँ कि ये हमने अज्यूम किया है, ये हमने अज्यूम किया है कि लेट द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स बी ₹100, और 100 लेना ही ज्यादा अच्छा होता है, कुछ भी अपने मर्जी से मत लेना, क्योंकि अगर आप उसकी मार्केट वैल्यू देखोगे ना तो वो उस हिसाब से ही वेरी हो रही है। कंपनी ए में जो वो शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू 80 हो गई है, कम हो गई है, कंपनी बी में उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। तो हमने अज्यूम किया कि लेट द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स, क्योंकि सेम है दोनों की फेस वैल्यू, तो लेट द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर भी ₹100, ये अज्यूम किया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी देखो सब कुछ, अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी हमको क्या करना है, इधर है ना, मैं इधर, इधर हम लिखेंगे कंपनी ए का कैलकुलेशन, इधर हम लिखेंगे कंपनी बी का कैलकुलेशन, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंपनी बी का, तो कंपनी ए का कैलकुलेशन लिखेंगे, तो सबसे पहले व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कितना है, 100, ₹100 अज्यूम किया है ना भाई, हाँ अज्यूम। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जो है वो ₹80 है कंपनी ए का, और नंबर ऑफ शेयर कितने है, एक ही, नंबर ऑफ शेयर कितना है, एक ही है, एक ही शेयर की बात हो रही है यहाँ पे, कोई 150-200 शेयर की बात नहीं हो रही है, एक शेयर की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है हमारे पास, 1 है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपनी ए का आरओआर निकालेंगे, फिर कंपनी बी का आरओआर निकालेंगे, बस वही करना है। तो सब कुछ हमारे पास है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस यहाँ पे एक और एक चीज है, दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, मतलब कि कंपनी ए जो है
वो अपने शेयर होल्डर्स को कितना रेट कितना डिविडेंड दे रहे, दैट इज 16% का, ठीक है। यही चीज आप कंपनी बी के लिए भी लिख सकते हो। कंपनी बी का फेस वैल्यू अगर देखोगे तो सेम है, वो क्या है, दोनों का फेस वैल्यू 100 rupees हमने अज्यूम किया है। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी बी, मतलब कि कंपनी बी के शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, रुपीज 120। एंड यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर एक ही है भाई, तो नंबर ऑफ शेयर जो है वो वन ही है, वन शेयर ही है। और यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड क्या चल रहा है, मतलब कि कंपनी बी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देने वाली है, तो दैट विल गिव अप 20% ऑफ द डिविडेंड, ठीक है। चलो तो अभी हम इसको अलग अलग से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बीच में इनके बीच में दीवार बना देती हूँ मैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन मतलब कि ये क्या सेम सेम है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दीवार बन गई, दीवार बोल रही हूँ, दीवार होता है ना, दीवार बोल दिया मैंने। चलो तो अभी यहाँ पे आरओआर का फॉर्मूला, चलो फटाफट क्विक रिवीजन करो। व्हाट इज आरओआर का फॉर्मूला, आरओआर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इनकम, ओके, डिविडेंड इनकम अपॉन बताओ बताओ जल्दी जल्दी, वेरी गुड, अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है। तो लेकिन मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम सम इन्वेस्टेड निकालेंगे, उसके बाद डिविडेंड इनकम निकालते हैं। तो सम इन्वेस्टेड बहुत इजी है, सम इन्वेस्टेड निकालेंगे हम लोग कंपनी ए का। तो अगर हमने कंपनी ए का शेयर खरीदा तो कितना हमारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो दैट इज सम इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल है उसका फॉर्मूला, सम इन्वेस्टेड, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, इन्वेस्टमेंट क्यों लिख रही हूँ, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है बच्चा पार्टी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, क्योंकि शेयर्स को मार्केट वैल्यू पे ही खरीदा बेचा जाता है। तो नंबर ऑफ शेयर एक ही है, मतलब एक ही तो शेयर खरीदना है हमको, इनटू मार्केट वैल्यू कितना है 80, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी ए में अगर हमने शेयर खरीदा तो 80 rupees का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, ओके। अभी हम क्या निकालेंगे, डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे, और यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड इनकम दोनों सेम ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर एक ही है ना, एक ही तो शेयर है, अभी उस एक ही शेयर का डिविडेंड निकालना है। तो मतलब यहाँ पे डिविडेंड इनकम और डिविडेंड पर शेयर दोनों सेम ही है, तो मतलब डायरेक्ट ही निकाल देते हैं ना, इतना क्या अभी डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे उसके बाद डिविडेंड इनकम निकालेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे डिविडेंड इनकम डायरेक्टली हम लोग निकालते हैं, तो डिविडेंड इनकम कितना हो जाएगा, डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू, मतलब कि डिविडेंड पर शेयर पहले निकालते हैं वही हमारा डिविडेंड इनकम होगा, समझ रहे हो ना, मतलब एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड देगा कंपनी, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड पर शेयर। और उसका फॉर्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता है, और आपको पता होगा कि फेस वैल्यू नहीं दिया था और हमने अज्यूम किया था वो 100 है, और अज्यूम करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रहा है कंपनी ए, 16% ऑफ फेस वैल्यू कितना है 100, तो 16% ऑफ 100 कितना होता है, तो 16/100 इनटू 100, तो ये 100 कैंसिल, दैट इज रुपीज 16, यानी कि एक शेयर के पीछे हमको 16 rupees मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग कंपनी ए का एक ही तो शेयर खरीद रहे हैं, तो एक शेयर के पीछे हम लोग को 16 rupees ही मिलेगा, तो डिविडेंड पर शेयर ही हमारा डिविडेंड इनकम है। अगर आप चाहते हो तो डिविडेंड इनकम निकाल दो, लेकिन वो भी सेम ही आएगा। देखो डिविडेंड इनकम निकालते तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड पर शेयर। लेकिन इसका तो मतलब कि नंबर ऑफ शेयर एक ही खरीद रहे, इसलिए 1 इंटू डिविडेंड पर शेयर कितना मिल रहा है 16, तो एक शेयर के पीछे कितना मिलेगा 16 rupees। मतलब यहाँ पे दोनों ये एक ही था, इस बार ये दोनों एक ही था, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना उसमें अलग था। क्या अलग था, कि एक शेयर के पीछे 7 rupees मिल रहे हैं, तो जो शांतिलाल है उसने तो 150 shares खरीदे थे ना, तो 150 shares के पीछे कितना मिलेगा, तो 150 इंटू 7 किया, तब इसका ये डिविडेंड इनकम मिला। लेकिन वहां पे तो एक शेयर ही खरीद रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये डिविडेंड इनकम मिल गया। अभी हम निकालेंगे आरओआर ऑफ कंपनी ए, आरओआर ऑफ कंपनी ए, तो कंपनी ए का आरओआर निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, सबसे पहले डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है, सम इन्वेस्टेड इनटू क्या कर देंगे 100 लिख देंगे। तो डिविडेंड इनकम कितना है 16 rupees अपॉन सम इन्वेस्टेड कितना था, सम इन्वेस्टेड कितना इन्वेस्ट किया था 80 rupees इन्वेस्ट किया था, ठीक है, तो 80 rupees और इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 100। तो सॉल्व करते हैं, ये जीरो कैंसिल, 8 1 8 8 2 16, तो 2 × 10 करेंगे यहाँ पे, तो देखो ये 2 × 10 कितना हो जाएगा 20%। मतलब कि अगर हमने कंपनी ए में इन्वेस्ट किया, अगर कंपनी ए का वो शेयर खरीदा, तो हमको 20% ROR होगा, हमारा 20% ROR होगा, मतलब रिटर्न
सॉरी रेट ऑन रिटर्न हमारा 20% होगा। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि कंपनी बी का आरओआर कितना है। सेम प्रोसेस है पूरा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे सम इन्वेस्टेड, ठीक है। तो सम इन्वेस्टेड अगर हम लोग कंपनी बी का शेयर खरीदते हैं हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ शेयर इंटू क्या हो जाएगा मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे भी 1 ही है, इंटू मार्केट वैल्यू जो है शेयर का वो कितना है 120। तो 1 × 120 कितना होगा 120 रुपीज। यानी कि अगर हम कंपनी बी का शेयर खरीदते हैं तो हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 120 रुपए का, ठीक है। अभी हम निकालेंगे डिविडेंड पर शेयर, मतलब एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे, तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे, जैसा किया था वैसा ही करना है। तो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू होगा, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू, तो व्हाट इज रेट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे देखो डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है, कितना मिल रहा है 20% जो है वो रेट ऑफ डिविडेंड है। तो यहाँ पे आएगा 20% इंटू फेस वैल्यू, 100 लिया है, अज्यूम किया है, याद है ना, हाँ, इज इक्वल टू 20% का साइन अपॉन में 100 इंटू 100, ये 100 कैंसिल, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया ₹20, यानी कि ₹20 है हमारा डिविडेंड पर शेयर, मतलब एक शेयर के पीछे ₹20 मिलने वाला है। लेकिन हमने इस कंपनी का एक ही तो शेयर खरीदा है, मतलब एक शेयर के पीछे हमको ₹20 मिलेगा और हमारा डिविडेंड इनकम भी ₹20 ही होगा, ओके। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग कि डिविडेंड इनकम जो है वो ही हमारा क्या है ₹20 है, तो डिविडेंड इनकम ही तो हमारा ₹20 है, ठीक है। अभी हम आरओआर निकालेंगे डायरेक्ट। तो आरओआर का सबसे पहले फॉर्मूला लिख देने का, आरओआर ऑफ कंपनी बी, ओके, कंपनी बी लिखो, ऑफ कंपनी बी। तो कंपनी बी का आरओआर निकालेंगे, तो दैट इज इक्वल टू, सबसे हम पहला हमारा क्या आएगा, ऊपर आएगा डिविडेंड इनकम अपॉन, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा सम इन्वेस्टेड इंटू 100, ठीक है। दैट इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम, भाई कितना है अपना डिविडेंड इनकम हमारा है, यहाँ पे देख लो ये ₹20 है। सम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ₹120 इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 120 और ये इंटू क्या है अपना 100, तो ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे और क्या जीरो कैंसिल होगा, ये जीरो कैंसिल मत कर देना, हाँ आए बड़े ने, तो ये जीरो भी कैंसिल कर दोगे। तो यहाँ पे क्या होगा 2 6 12 2 10 20, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 2 5 10, ठीक है। अभी 5 × 10 हम करेंगे, 5 × 10 हो जाएगा 50 / 3, तो 50 / 3 करना पड़ेगा, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। पॉइंट में आंसर आएगा, वो सामने से लग रहा है पॉइंट में आंसर आएगा, तो 3 × 1 हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 2 बचा, तो 0 लेंगे नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 8 3 8 कितना होगा, नहीं 24 हो जाएगा, यहाँ पे 3 7 21, 3 6 लेना पड़ेगा, 3 6 हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये 10 आ गया, ये आ गया 1, तो यहाँ पे 2 बचा, 0 अगेन 0 आ गया, अभी ये 0 एक्स्ट्रा लिया है ना, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 3 6 अगेन 18, तो फिर से यहाँ पे माइनस करोगे तो 2 बचेगा, 0 लेंगे, फिर से 3 6 18, तो मतलब ये तो चलता रहेगा, ये कहानी कभी भी खत्म नहीं होगी। तो मतलब हमारा आंसर है 16.6666, ऐसा चलता रहेगा। तो इसको ऐसा करके मत लिखना, इसको थोड़ा स्टॉप हो जाना आप लोग, आप अपना थोड़ा दिमाग भी लगाओ। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे 16.66%, तो यानी कि कंपनी बी का जो आरओआर है दैट इज 16.66, या अगर आप कुछ बुक में देखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 16.67 भी लिख सकते, क्योंकि 6 जो है वो 5 से बड़ा है ना, तो यानी कि हम क्या करेंगे इसको राउंड ऑफ करने के लिए एक नंबर से इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन अगर आपने ये लिखा तो भी राइट है, ये लिखा तो भी राइट है, तो उसका कोई टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जो कंपनी बी है उसका आरओआर जो है दैट इज 16.67% और कंपनी ए का जो आरओआर है वो है 20%। तो अभी मुझे ये बताओ कि कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। Yes, very good. Company A is more profitable than Company B. तो आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, क्या कंक्लूजन लिखोगे कि कंपनी A is because, ऐसे लिखना, because the ROR of Company A is more than ROR of Company B. तो therefore Company A will be more profitable. Company A में invest करना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसका return ज्यादा है, ठीक है। समझ में आया, तो आई होप आपको पूरा प्रैक्टिस है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी चिंता आप करना मत, 16.66666 हो रहा है ना, तो आप थोड़ा एक मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर रखो, ज्यादा नंबर नहीं रखना है, तो 16.66666666 ऐसे हो रहा है ना, तो इसको लिख दो 16 पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने नंबर रखने के, ज्यादा नहीं रखने के, 2 रखो सिर्फ, ठीक है। तो 6 6 और ये परसेंटेज,
तो ये हमारा आंसर. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. चलो अभी हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहां पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, जो ब्रोकरेज के ऊपर है और बहुत इजी है. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में सब कुछ आ रहा है. अगर प्लीज समझ में आ रहा है ना, कमेंट कर दो यार. कमेंट नहीं करते हो आप, बड़ा बुरा लगता है मुझे. और लाइक कर देना इस वीडियो पे, मतलब कि धमाधम लाइक आ जाने चाहिए. ठीक है, चलो तो लाइक कर देना और कमेंट करना, प्लीज कमेंट तो जरूर करना. चलो बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.